सोनभद्र जिले के चौपन रेलवे मैदान में पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पे जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में सोनभद्र के खनन उद्योग को पहले माफिया चलाते थे, आज मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में योगी जी को भेजा तो योगी आदित्यनाथ ने सभी माफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया। अमित शाह ने सोनभद्र में कनहर परियोजना, बिजली पानी, किसानों को सालाना 6,000 रुपए व सोनभद्र से राजधानी ट्रेन को संचालन के लिए सरकार को जमकर तारीफ की। वहीं गृह मंत्री ने रॉबर्टगंज लोकसभा सीट के लिए रिंकी कॉल व विधानसभा दुद्दी उपचुनाव के लिए श्रवण गोड के लिए वोट मांगा। वहीं सोनभद्र के चौपन रेलवे कॉलोनी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव राम भक्तों पे गोली चलाने वाले, राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। गृह मंत्री ने कहा कि सोनभद्र में अवैध खनन करके सपा ने आदिवासियों का हक छीनने का काम किया है। अरे बैठा हुआ सुनना ही पड़ेगा, मेरी आवाज नहीं।
वैष्णो देवी मंदिर, अमीरा धाम, श्रीमो धाम, कुमारी देवी, द्वारा देवी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाई बहनों, इस सोनभद्र आजादी के समय में बड़े जन रंग जन के साथ आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला हमारा अहम जिला है। आज इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं आप लोगों के सामने अपनी बात की शुरुआत चले गए, कोई कुछ नहीं करता। मोदी जी आए, पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र जी ने किया। तब से इस देश में भाई बहनों, मुझे बताओ, सपा की सरकार थी आदिवासियों पर 1989 में गोली चली थी या नहीं चली थी? सोनभद्र में जनजोर से वो चलाई थी या नहीं चलाई थी? सीमेंट फैक्ट्री के विरोध के लिए गोली चलाने का किया था और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाइयों बहनों के घर में अनेक सुविधाएं भेजने का काम किया, अनेक सुविधाएं भेजने का काम किया। वो अधिकार था कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। भाजपा की सरकार ने काम शुरू किया है और मैं वादा करके जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, अगले चुनाव के पहले सबको वन अधिकार पट्टा अपने घर पर मिल जाएगा। अवैध खनन सपा ने यहां पर अवैध खनन करके आदिवासियों का हक छीनने का काम किया और मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो खनिज यहां से निकलता था, इसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सपा की सरकार ने कन्हरपुरियों का इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण कन्हरपुरियों का भी